बचपन से देखते आ रहा हूँ, पर वो कार्टून्स रहे हैं, एनिमेशंस रह चुके हैं, और जो पूरी ट्रांसफॉर्मर्स की फिल्म्स रह चुकी मैं सब देखी हैं, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं मेरी खुद के, मतलब दिल से, दिमाग से। आई थिंक कई लोगों ने बिग बॉस में भी देखा कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, 14 किलो वज़न भी कम हुआ था। और आई थिंक अपने जबान पे लगाम लगाना ये मेरी बस की बात नहीं है, तो मैंने कोशिश तो की। जी देखो, ऑनेस्टली मेरा परफॉर्मेंस, पहला परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया था वो पीस, तो सही है। आई थिंक जो जजेस ने बोला था वो भी बहुत सही था, पर उन्होंने मुझे अलविदा बहुत बहुत खूबसूरती से किया और मैं उससे खुश हूँ। झलक से मैं मिस करूँगा अपनी कोरियोग्राफर को, वो बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी मेरी, और ऑफकोर्स मैं सोफ़ी को भी मिस करूँगा, सोफ़ी, आशीष, कृतिका सब मेरे साथ बहुत घुल मिल गए थे, तो उनको मैं मिस कर रहा हूँ। जजेस की बात करें, जजेस को मिस करना, तो आई थिंक जिस तरीके से करण ने मेरे लिए बहुत अच्छे बोला, वो बहुत प्यार जताया, बहुत ही खूबसूरती से मुझे उन्होंने अलविदा कहा, तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे प्रोजेक्ट्स ये हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर हम कुछ फिर से बता नहीं सकते, क्योंकि यू नो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पर कुछ लिखा होता है, तो यू नो नहीं। थैंक यू।